हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, योग आसन प्राणायाम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गौमुख आसन करने का सही तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ सके और इसका लाभ आप सही ढंग से उठा सके। तो मैं गौमुख आसन करने का सही तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। गौमुख आसन करने के लिए पहले दंडासन में सीधे बैठ जाए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रख लें, दोनों हाथों को साइड में रखें, मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें। इसके बाद सबसे पहले हम बाएं पैर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद जो इसकी जो एड़ी है, इस एड़ी को अपने मल द्वार के पास रख लेते हैं और घुटना बिल्कुल हमारा बिल्कुल सामने होना चाहिए, और दूसरे पैर को भी उठाएंगे। और जब हम बाएं पैर के एड़ी के ऊपर में जब सही तरीके से बैठ जाते हैं, तो फिर दाहिने पैर को भी उठाएंगे और इस पैर को उठा करके ऊपर से इस घुटने के ऊपर में, ये जो नीचे वाला जो हमारा घुटना है, इस घुटने के ऊपर भी इस घुटने को इसके ऊपर रख देने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों से नहीं होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस चीज का वो ध्यान नहीं रखते हैं। थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, अगर मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमारे बाएं पैर के जो घुटने हैं और दाहिने पैर के जो घुटने हैं, बिल्कुल ये आपस में मिल जाना चाहिए ये, और जो पैर आपका सबसे ऊपर में है, जैसे हमने दाहिने पैर को सबसे ऊपर में रखा है, तो दाहिने हाथ को सबसे पहले ऊपर उठाएंगे और जो बायां जो पैर हमारा नीचे है, उस हाथ को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए इस हाथों का हुक बना देंगे, और अपने हाथों का ये जो मोटी मसल है हमारे दाहिने हाथ का, इसको कान के पास ले जाएंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार से, और कम से कम इसी अवस्था में आधा मिनट के लिए रहना चाहिए। आधा मिनट के लिए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे, श्वासों को सामान्य लेते और छोड़ते रहेंगे। जब ऐसा आप कर लेते हैं तो हाथों को नीचे लाएंगे और सामने ले आएंगे, फिर दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह होती है कि जिन लोगों से नहीं हो पाता है, अभी हमने एक पैर से किया है तो दूसरे पैर से भी करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि योग में अगर आपने बाएं से किया है तो दाहिने से जरूर करना चाहिए ताकि इसका बैलेंस बना हुआ रहता है। अब मैं दाहिने पैर को पहले बाएं लेकर के गया था, अब दाहिने पैर को लेकर के जाएंगे और इसके एड़ी को मल द्वार के पास रखेंगे, घुटना बिल्कुल सामने रखेंगे। और बहुत लोगों से जब नहीं होता है तो वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एड़ी के ऊपर में नहीं बैठते हैं और इस पैर को उठाते हैं तो ऐसे इस प्रकार से बैठ पाते हैं और ये घुटना सामने नहीं आ पाता है उनका। तो ये अगर हम इस पैर पे अगर सही ढंग से बैठ जाएं और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रख लें बिल्कुल, और तब इस पैर को उठाएं और इस पैर से दाहिने पैर से बाएं पैर को आगे ले जाने की कोशिश करें, इस साइड में ले जाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले इसको देखिए कितना हमने ऊपर उठाया है और तब मैं दाहिनी ओर लेकर के गया, और इसके बाद ये घुटना और ये घुटना दोनों आपस में बिल्कुल सीधा हमने कर दिया है। बिल्कुल देखा है, देख लीजिए, इस पैर को बिल्कुल सीधा कर दिया, यानी कि ये घुटना और ये घुटना मेरा बिल्कुल सामने हो गया है, और इस प्रकार से अब ये घुटना हमारा जो है सो बाया घुटना ऊपर में है, तो इस बार हम बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और नीचे वाले पैर जो दाहिना नीचे मेरा है तो दाहिने हाथ को भी पीछे की तरफ से लेकर के जाएंगे, अपने हाथों को हुक बनाएंगे। आपको मैं पीछे करके भी दिखाता हूं कि किस प्रकार से हाथों की स्थिति कैसी होगी। तो इस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल बदन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे,
अपनी मोटी मसल कान से लगा करके रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसी अवस्था में बने रहेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हाथ की जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव पड़ती है और हमारे हाथ तो मजबूत होते ही हैं और पेट से जुड़ी हुई समस्त रोग के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अस्थमा है, अस्थमा से जुड़े बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है ये गौमुख आसन। जैसा कि इसका नाम है गौमुख आसन, तो गौमुख का मतलब होता है गाय के मुख के समान अपने शरीर को बना देना। तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहा हूं कि हाथ की स्थिति पीछे कैसे होगी। और पैरों की स्थिति कैसे होगी, ये पैर हमारे यहां पे हैं, हिप हमारा एड़ी के ऊपर में बैठा हुआ और दाहिना पैर हमारा ऊपर में है, तो दाहिने हाथ को ऊपर हमने लेकर के गया था तो बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर के गए और बाएं हाथ को पीछे से लेकर के गए, दोनों हाथों को बिल्कुल हुक बना लिया हमने और कोहनी का जो रुख है वो आसमान की तरफ बिल्कुल इस प्रकार से अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस पे आपका पूरा खिंचाव जो है सो जब पड़ता है तो इससे हमारा इंसुलिन की मात्रा सही होती है पेट से, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए इसलिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो ये हमारे हिसाब से ये प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में गौमुख आसन ज्यादा ना कर सके तो कम से कम 4 से 5 बार इसका अभ्यास जरूर हर व्यक्ति को करना चाहिए। गौमुख आसन फेफड़े के लिए अच्छा है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, फेफड़े को मजबूत बनाता है, आपके जंघाएं और हाथ को बलिष्ठ और मजबूत बनाता है। तो गौमुख आसन जरूर करें।